नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ हस्तरेखा में कुछ ऐसे योग को लेकर। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसको प्रतिष्ठा मिले, प्रतिष्ठा समाज में या नाम हो, भले थोड़ा धन कम मिले लेकिन नाम ज़्यादा मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया धन थोड़ा सा कम मिल जाए लेकिन नाम जो है भरपूर होना चाहिए। प्रतिष्ठा से अगर कहा जाए तो व्यक्ति का वंश चलता है, प्रतिष्ठा से अगर कहा जाए कहीं ना कहीं उसका नाम भी उससे चलता है। प्रतिष्ठा से नाम हो गया, वंश हो गया, घर हो गया, परिवार हो गया। धन से कभी भी जो है अगर कहा जाए प्रतिष्ठा नहीं खरीदी जा सकती, एक आप लोग का भ्रम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत नाम है उनका, लेकिन अगर कहा जाए धन की बात करा जाए तो साधारण है। कुछ ऐसे योगों पे आज हम बात करेंगे जो सरकारी नौकरी या बड़ी सरकारी नौकरी, प्रशासनिक पद या नौकरी में अगर कहा जाए बड़े पद को दिखाता है। बड़े पॉलिटिशियन, बड़े राजनेता, इसकी भी हम बात करेंगे। कुछ हाथ से संबंधित योग, हाथ में बनने वाले योग, उन पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कि अभी तक जो है एक एक रेखा के बारे में बताता हूँ मैं। अब मैंने पीछे भी एक दो वीडियो, तीन वीडियो भेजे हैं अलग अलग फील्ड के, अलग अलग तरीके के। आज भी मैं कुछ रेखाएं बताऊंगा और आने वाले समय में भी कुछ ऐसे योग बताऊंगा जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या जो भी है प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ समझिए, अगर जन्म कुंडली में अगर बात किया जाए कुंडली की, सूर्य दूसरे, छठे, सातवें, दसवें और ग्यारहवें भाव में जब बैठता है तो व्यक्ति को प्रशासनिक लाभ मिलता है, या उस दिशा में अगर वो कार्य कर रहा है तो उसको जो है सफलता आसानी से मिल जाएगी, ये इसको दिखाता है। अगर जिनकी कुंडली में राहु बली है और राहु अच्छे नक्षत्र में है, अच्छे चरण में है, अच्छे भाव के स्वामी, भाव स्वामी के साथ है, या फिर जिस भाव में है उसका अधिपति अगर कहा जाए अच्छे केंद्र या त्रिकोण में बैठा है तो भी ये कहा जाएगा कि इन चीज़ों में व्यक्ति को लाभ मिलेगा। कर्म का संबंध अगर कहा जाए लक्ष्मी स्थान पंचम भाव, कर्म मतलब दसम, दसवें का स्थान का स्वामी अगर कहा जाए पंचम भाव से, भाग्य भाव से और द्वितीय भाव से संबंध बना ले तो भी व्यक्ति को सरकारी तंत्र से आराम से सफलता मिल जाती है। देखिए, आराम से का मतलब ये होता है, मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में सफल होना है, उसके लिए नाम कमाना है, पैसा कमाना है, प्रतिष्ठा कमानी है, पद कमाना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो रात आएगी, या फिर कह लीजिए वो रात जो है ख़त्म होगी और सवेरा आएगा सफलता का, जिसे दिखाता है या जिसे कहा जाता है सफल। सफलता की रात गई और सवेरा आया, कहीं ना कहीं सूर्योदय होता है, उस तरीके से व्यक्ति के जीवन में सफलता का उदय हुआ। लेकिन एक चीज और मैं यहां कहूंगा, बहुत सारी रातें निकालनी पड़ेंगी तब वो रात आएगी। जब कई रातें आप निकालेंगे, कई रातें जो है मेहनत से निकालेंगे तब वो रात आएगी जिसमें आप जो है सफल होंगे। कहने का मतलब ये है, अच्छी मेहनत, अच्छी दिशा, माता पिता की सेवा, ईश्वर का आशीर्वाद और कड़ी मेहनत व्यक्ति को जीवन में सफलता दिलाती है। अपने हाथ के माध्यम से कुछ रेखाएं मैं बताता हूँ, कौन कौन से ऐसे योग हैं, कई योग हैं और समय समय पे कई योगों के बारे में बताऊंगा। आज जिन योगों के बारे में बता रहा हूँ, अगर नहीं भी है मान लीजिए आपके हाथ में, बहुत सारे योग हैं, अभी मैं आने वाले समय बताऊंगा, लेकिन एक एक योग जो भी मैं बता रहा हूँ ये बेहद कारगर हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि व्यक्ति को जीवन में सफलता। सबसे पहले हम बात करेंगे नेता, अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं या पॉलिटिक्स में रुझान है या सरकारी तंत्र में लाभ लेना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी रेखाएं ऐसी होती। देखिए, सरकारी तंत्र में लाभ के लिए सबसे पहले सूर्य की रेखा अच्छी होनी चाहिए। सूर्य की रेखा अगर बली है तो कहीं ना कहीं नेता या पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों में तरक्की देती है। इसके साथ में अगर कहा जाए शनि की उंगली, जो हमारी मध्यमा जिसे कहते हैं, मध्यमा अगर आपकी ऊपर से पतली है, ठीक है, ऊपर से अगर चपटी है तो दूसरा एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये,
तो ये भी कहा जाएगा नेता या राजनीति की तरफ आप जा सकते हैं। भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट और साफ है तो भी ये कहा जाएगा व्यक्ति इस दिशा में जा सकता है, अच्छी तरक्की पाएगा। मैं जो जो बिंदु बना रहा हूँ ये हाथ पे आपके मिलने चाहिए, कम से कम जो है अगर मैं 5 बिंदु बता रहा हूँ तो 3-4 मिले, ठीक है। बिंदु बहुत हैं, योग बहुत हैं, समय समय पे मैं आपको बताता रहूँगा और कुछ वीडियो मैंने डाल रखी हैं उसको देख लीजिएगा। अगर भाग्य रेखा पहला, दूसरा, तीसरा, अगर भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, भाग्य रेखा गुरु की तरफ मिले तो ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति राजनेता बन सकता है और समाज की सेवा कर सकता है। तीसरा बिंदु, शुक्र का हिस्सा ठीक ठाक सा उठा है, मंगल का हिस्सा ठीक ठाक सा उठा है, गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए ठीक ठाक सा उठा है और सूर्य का हिस्सा जिसे हम लोग कहते हैं पर्व, श्रेष्ठ अगर कहा जाए, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ मतलब अच्छा उठा हो, तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा अच्छे पॉलिटिशियन की निशानी या अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। इसके बाद हृदय रेखा अगर आपकी सीधी है, हृदय रेखा अगर सीधी है बहुत ज़्यादा गुरु की उंगली की तरफ नहीं जा रही है, गुरु की उंगली की तरफ नहीं जा रही है, तो भी कहा जाएगा कि आप पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों में जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, बुध के क्षेत्र पे अगर ट्रायंगल बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं राजनीति से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अब पॉइंट गिनिएगा, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया सूर्य पे एक रेखा हो, दूसरा पॉइंट मैंने बताया शनि की उंगली जो है ऊपर से पतली हो, तीसरा बिंदु मैंने आपको बताया भाग्य रेखा गुरु की तरफ जाए, चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया शुक्र का क्षेत्र श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ मतलब जो है ठीक ठाक सा उठा हो, गुरु का क्षेत्र और सूर्य का क्षेत्र ठीक ठाक सा उठा हो और बुध पे एक ट्रायंगल हो। अगर ये सारे बिंदु आपके हाथ में हैं, अगर आप पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं तो उस दिशा में बढ़िए, आपको तरक्की मिलेगी, अच्छी तरक्की मिलेगी जिसे कहा जाता है बेहतर तरक्की। एक बात, दूसरा दूसरा बिंदु हमारा जो है योग कहा जाएगा, दूसरा योग जो है, मैंने नेता की बात की, पॉलिटिक्स की बात करी, अब मैं बात करूंगा कि एक वो भी व्यक्ति होता है कि बस ग्राम प्रधान बन के रह जाए, बहुत बन गया तो प्रधान से ऊपर का पद पा जाए, एक वो भी व्यक्ति होता है जो मंत्री लेवल का या उससे भी बड़ा पद जो है मिलता है, वो कौन से लोग हैं, उनके भी कई योग हैं लेकिन मुख्य योगों पे आज हम बात कर रहे हैं, मुख्य योग बताऊंगा मैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने पीछे बताया ये 3 पॉइंट जो है ये मंगल का क्षेत्र, मंगल का क्षेत्र, गुरु का क्षेत्र और शनि का क्षेत्र, उन्नत हो, अच्छा उठा हो, उंगलियां अगर कहा जाए एक धनुषनुमा आकृति, धनुषनुमा आकृति का मतलब ये होता है कि आपकी जो उंगलियां हैं, जैसे बुद्ध की उंगली सब ज़्यादातर लोगों की नीचे से स्टार्ट होती है, बुद्ध की उंगली भी जो है अगर कहा जाए ठीक ठाक से ऊपर से स्टार्ट हो रही है, जब अपना आप हाथ सामने रखेंगे तो आपको एक धनुषनुमा, ये पोर, ठीक है, पोरों के आधार पर एक धनुषनुमा जो है आकृति दिखाई देगी। धनुषनुमा आकृति का मतलब ये नहीं हो गया कि ये रेखा खींची होगी, ठीक है, ये आपका गुलाई में होगा, ये हिस्सा आपका गुलाई में होगा। दूसरा बिंदु ये भाग्य रेखा है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, बहुत दो मैंने पीछे कमेंट पढ़े, आप लोग जो भी लिखते हैं कमेंट में मैं सब पढ़ता हूं, और ये मानिए कि एक एक कमेंट का मैं जो है पढ़ता हूं और जवाब भी देता हूं। अगर कोई प्रश्न हो, कुछ है ऐसा, या अभिवादन करना चाह रहे हैं या ईश्वर का नाम लिखना चाह रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम जो है अपनी उपस्थिति कि आप मेरे साथ बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं से बल भी मिलता है। अपने इष्ट का नाम लिख दीजिए, राम का नाम लिख दीजिए, कृष्ण का नाम लिख दीजिए, गणपति जी का नाम लिख दीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लिख दीजिए, ठीक है, उनका नाम लिख दीजिएगा। मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया इष्ट के चक्कर में, चलिए कोई बात नहीं। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, हाथ में धनुष हो, पहला बिंदु आपका ये हो गया, दूसरा बिंदु धनुष हो गया, भाग्य रेखा तीसरा हो गया,
भाग्य रेखा स्पष्ट का मतलब किसी प्रकार की काटपीट हाथ पे ना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की काटपीट हाथ पे ना हो। बुध पे कुछ रेखाएं लंबी लंबी खींची हों, ठीक है, और एक रेखा इससे उतरती हुई नीचे आए, ये रेखा भाग्य रेखा में भी मिले तो अच्छा है, अगर ये रेखा जीवन रेखा में मिल रही है तो भी अच्छा है। हालांकि जीवन रेखा में जब भी मिल जाती है तो व्यक्ति बोल के धन कमाता है, तो ये थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है कि व्यक्ति जो है कंसल्टेंसी इत्यादि चीज़ों से भी धन कमाता है। लेकिन जो मैं बिंदु बता रहा हूँ, अगर सारे बिंदु हैं, अगर जीवन रेखा से मिल रही है तो खराब नहीं, बेहद अच्छा कहलाएगा, ठीक है। सूर्य के हिस्से पे एक व्रत का निशान हो, यहाँ पर एक व्रत मतलब गोलाई में अग्रवृत्त हो, और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए एक सूर्य की रेखा स्पष्ट और साफ हो। सूर्य से अगर कहा जाए गुरु पे एक रेखा हो, समाज को दिशा देने वाला व्यक्ति, समाज को चलाने वाला व्यक्ति, लाखों लोगों का मुखिया कहलाता है, करोड़ों लोगों का मुखिया कहलाता है। सूर्य से एक रेखा अगर गुरु की तरफ स्पष्ट साफ बन रही है, टूटी फूटी नहीं है, किसी प्रकार का द्वीप दाग धब्बा नहीं है इसके ऊपर, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बड़े स्तर का राजनेता बनेगा। इसके बाद बुध पे लंबी लंबी दो से तीन रेखाएं हों, बुध पे लंबी लंबी दो से तीन रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति राजनीति में शिखर तक पहुंचते हैं, ऐसे व्यक्ति टॉप की राजनीति करते हैं, जिसे कहते हैं मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इस स्तर तक पहुंचते हैं। मैं एक चीज और फिर से यहां पर क्लियर कर दूं, जो रेखा बता रहा हूं मैं ये अव्वल दर्जे की रेखा, योग, अगर मैं योगों की बात करूं तो अव्वल दर्जे के योग हैं, बहुत सारे ऐसे योग हैं, लेकिन उन योगों में ये योग जो है ये बेहद श्रेष्ठ माने जाते हैं, कि ये अगर योग हैं तो व्यक्ति तरक्की और बेहद तरक्की करेगा ही करेगा। फिर से मैं एक बार बताऊं, देखिए पहला बिंदु मैंने आपको बताया कि ये तीन माउंट, ठीक है, मंगल, गुरु और सूर्य के ठीक ठाक से उठे हों, भाग्य रेखा स्पष्ट हो, धनुषनुमा आकृति में आपकी उंगलियां हो, सूर्य पे एक रेखा हो, सूर्य से एक रेखा गुरु की तरफ जाए, सूर्य के हिस्से पे एक वृत्त का साइन हो, छोटी उंगली के नीचे छोटी 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 सी रेखाएं हो, एक रेखा जो है, एक रेखा या दो रेखा, दो रेखा है तो बहुत ही अच्छा है, आपकी जो है बन रही हो, और कहीं ना कहीं जो है बुध के क्षेत्र पे दो से तीन रेखाएं हो, ऐसे व्यक्ति बेहद सफल होते हैं और जीवन में राजनेता और समाज के लिए सोचने वाले होते हैं, ठीक है। अपना तो स्वार्थ एक अलग हो गया, ऐसे व्यक्ति समाज, देखिए स्वार्थ की बात मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि ये भी एक स्वार्थ है कि एक पद पे जाना, भाई हर व्यक्ति चाहता है कि बेहद प्रतिष्ठा मिले, और जैसा मैंने आज का हमारा विषय जो है प्रतिष्ठा से संबंधित विषय है, और ये विषय ऐसा कहलाएगा कि हर व्यक्ति चाहेगा, ठीक है, पैसा कम हो प्रतिष्ठा ज्यादा हो। तीसरा योग, ये योग अगर मैं कहूं तो सरकारी नौकरी, या अगर मान लेते हैं प्राइवेट भी नौकरी करेंगे तो भी बड़े पद की नौकरी को ये दिखाता है योग। बुध की उंगली अगर कहा जाए तीसरे पर्व के ऊपर हो, सूर्य के पर्व से तीसरे पर्व के ऊपर हो, अंगूठा आपका अच्छा लंबा हो, अंगूठे पे अगर कहा जाए तीन से चार रेखाएं काट रही हूं, ठीक है, तीन से चार रेखाएं अंगूठे पे काट रही हूं, सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए श्रेष्ठ हो, और एक सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ हो, भाग्य रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा अच्छी हो, और नीचे से अगर मछली का साइन बन रहा है तो बेहद अच्छा, अगर नीचे से मछली का साइन बन रहा है तो बेहद अच्छा। सूर्य के हिस्से पे एक ट्रायंगल बने, ये ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है, ये ट्रायंगल इस टाइप में भी हो सकता है, मतलब सूर्य के हिस्से पे एक ट्रायंगल अगर बन रहा है, ठीक है, बुध की उंगली और शनि की उंगली ऊपर से पतली है और चपटी है, बुध की उंगली शनि की उंगली, बुध की उंगली ये और शनि की उंगली ये ऊपर से पतली है और चपटी है, ठीक है, और पहला पर्व पे गांठ है, उंगलियों में पहले पर्व पे गांठ है, पहला पर्व मतलब ये हिस्सा, ये हिस्सा पहला पर्व, एक पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व, सभी में पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले पर्व पे गांठ हो,
ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद धनी होगा, अच्छे स्तर का धन होगा, प्रतिष्ठा नाम भी होगी, जहां पर भी रहेगा लोग उसकी मानेंगे या फिर कह लीजिए लोगों का चहेता रहेगा। ये कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में लाभ को दिखाता है, बड़े पद को दिखाता है, प्रशासनिक अधिकारी को दिखाता है। मान लीजिए जो है आप प्राइवेट नौकरी में भी हैं तो ये बड़े पद को दिखाता है, छोटे मोटे नौकरी को ये नहीं दिखाता है, ये अच्छे पद को दिखाता है, प्रतिष्ठा को दिखाता है। कुछ योग ऐसे मैंने बताए आपको जो जीवन में सफलता को दिखाते हैं, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे प्रशासनिक पद से संबंधित हो। एक चीज़ फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, मेहनत, कर्म, माता पिता का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद, और वो रात, उस रात के लिए कई रातें आपको जो है जागना पड़ेगा, मतलब कई रातें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो रात आएगी और जो प्रकाश आएगा वो जीवन में प्रकाश जो है ख़त्म नहीं होगा, लंबा प्रकाश चलेगा। उस रात के लिए कई रातों को जग लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा, कारण उसका जो है जीवन में शुरुआती दौर मौज मस्ती के अगर आपने निकाल दिए, मौज मस्ती भी करिए, खूब खेलिए, खूब टहलिए, खूब घूमिए, लेकिन उसके साथ में अपने माता और पिता दोनों के चेहरों को देखते हुए ही जो काम करना है वो काम करिए। उनको दुखी करेंगे तो परमात्मा दुखी होगा, उनको सुखी करेंगे तो परमात्मा आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद देगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।